ट्रेनों में रह कर यात्रियों को लूटने वाली गैंग को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग के इस तरह से ट्रेन में चाकू और डंडे से यात्रियों को घायल करके लूट की वारदात को अंजाम देते थे। यह रैकी करते और फिर जैसे ही ट्रेन धीमी होती यह यात्री को लूटकर चलती ट्रेन से उतरकर भाग जाते थे। पुलिस ने लाखों रुपए का मशरूखा भी जब्त किया है। ट्रेनों में लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों राजेशगंज बासोदा के रहने वाले और बिलासपुर भोपाल पैसेंजर गाड़ी नंबर 1-8-2-3-6 में सफर कर रहे थे। इसी दौरान जब ट्रेन भानपुर ओवरब्रिज के पास रेलवे स्टेशन भोपाल आने के पहले धीमी हुई, लुटेरों ने चाकू से राजेश के हाथों पर चोट पहुंचाई और फिर उसका बैग लूट कर चलती ट्रेन से कूद कर भाग गए। ट्रेन में व्यापारी की रैकी कर लूट को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए 6 आरोपियों ने 26 मार्च को फरियादी राजेश सोनी से लूट की थी। भोपाल आने के लिए 2 ट्रेनों का इस्तेमाल करते थे, एक बिलासपुर भोपाल पैसेंजर और दूसरी पंजाब में। तो ये सभी को पता था कि जब बैग लेके जाता है तो इसमें सोना और पैसा रखते हैं। होली के अगले दिन 26 तारीख को जब ये सुबह दोपहर 2 बजे गंजबसोदा से ट्रेन में बैठा, तो जब भोपाल इंटर करती है ट्रेन भानपुर ब्रिज के पास में, 4-1 लोग आए और उन्होंने जो है इसके अपने दोस्त के साथ दूसरे को लेकर चाकू रखा और इससे बैग छीनने की कोशिश करी। बैग छीनने की कोशिश में इसके हाथ पर चाकू से मार भी किए और बैग लूट के चले गए। इसके बाद जब घटना की रिपोर्ट अगर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया पुलिस ने, तो पुलिस के दिमाग में थ्योरी थी कि ये पर्टिकुलर ट्रेन में काफ़ी सारे लोग होते हैं लेकिन सिर्फ इसी आदमी को टारगेट किया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं से रैकी का मामला था। फिर भी हमने घटनास्थल जाकर फिर वहाँ की फुटेज देखना शुरू की, तो फिर फुटेज में कुछ संदिग्ध लोग हमको मिले और एक एक्टिवा चालक भी मिला जो संदिग्ध लोगों को यहाँ से वहाँ ले जा रहा था। फुटेज को बनाते बनाते हमने रूट मैप बनाया और रूट मैप से हम सांची पहुँचे, सांची स्टेशन पर भी फुटेज लिए और फुटेजों का मिलान करते हुए जब विधि गंज मसौदा पहुँचे, तो गंज मसौदा में जब फुटेज मिले तो हमको वहाँ पता चला कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए, तो 2 लोग थे जो वाहन पार्किंग में दिख रहे थे। जब उन लोगों की तलाश की गई फुटेज के आधार पर, तो उनमें से एक का नाम आभूषण निकला, 18.5 साल का, जो गंज मसौदा में चूड़ी वाली मामले में होती। आभूषण को जब हमने उठाया तो उसने पूरी कहानी बताई कि ये कुल 6 लोग थे जिसमें से 4 लोग भोपाल के रहने वाले, 2 जो हैं वो आरिफ नगर के रहने वाले, एक रंबा नगर का और एक काजीगंज का रहने वाले, 2 लोग जो गंज मसौदा के हैं, आभूषण और एक नाबालिग लड़का। तो अभुजर और उसका नाबालिग साथ थे, इन लोगों ने रैकी की थी और सूचना दी थी बाकी भी 4 लोगों को कि जब ये सामान लेके पहुँचेगा तो हम आपको सूचना देंगे। तो घटना दिनांक मतलब 26 तारीख को जब ये भोपाल पकड़े गए आरोपियों में आदिल, शाहरुख, साहिल, अब्जूर सहित एक नाबालिग शामिल है। फरियादी का बैग जिसके अंदर नगदी 3 लाख रुपए, सोने के जेवर रखे हुए थे। EMT न्यूज़ भोपाल।